आज टेंशन में ही शाम ढल चुकी है हमें, और परिंदों को भी हमने नहीं देखा। लेकिन घर से निकलने से पहले परिंदों को संभाल के जाएं हम, ताकि माइंड फ्रेश रहे हमारा। मुर्गियाँ कहाँ गई? नहीं आई, एक ही बैठी है। नीचे वाली आ गई, ऊपर वाली सिर्फ एक बैठी है, कबूतर भी बाहर बैठे हैं। अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैकुम, शे महरज़ादा, एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शाम के 7 बज रहे हैं, अभी शाम ढलने वाली है। वालेकुम अस्सलाम शज़ेब, कैसे हो? अच्छे हो, मेरी आवाज़ सुन के आए हो ना? हाँ जी। और आज का व्लॉग जो है ना, हम अभी से स्टार्ट कर रहे हैं वो इसीलिए कि एमरजेंसी हमें लाहौर के लिए निकलना पड़ रहा है। तो पहले निकलते हैं, फिर रास्ते में बताता जाऊंगा कि इतना अचानक हमें क्यों जाना पड़ा। फिलहाल जाना है, ठीक है? तो इसलिए जल्दी जल्दी हम रेडी हुई हैं, बाइक वगैरह हमारी तैयार है। और आज अतीक मुझे नहीं छोड़ने जा रहा, वो भी मेरे साथ जा रहे हैं। बिलाल कह रहा था मैनू ले जा, मैं तो घूमन फिरन कह नहीं जाता पिया। हाँ, शाम के मंजी बिस्तरे हमारे बाहर निकाले गए हैं और आज हम यहाँ नहीं सोएंगे, आज हम गाड़ी में ही सोएंगे। बैग हमारा तैयार हो चुका है और अंधेरा भी फुल छा चुका है। जॉनी, गुड बाय, चलें चलें। अतीक का दोस्त हमें छोड़ने के लिए जा रहा है, और आज अतीक जो है ना वो पैदा होने के लिए जा रहा है। ऐसे ही है, फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना। और वो कह रहा था कि मैंने भी जाना है, मैंने कहा चलो जी, आपको भी लाहौर दिखा के आती हैं। चलें, आ रहे हैं। अल्लाह हाफिज। रात के 9:20 और अभी पहुंचे हैं हम बस टर्मिनल पे। और बस जो है वो काफ़ी ज़्यादा देर है, अभी उसको हमसे पहले एक बस निकल गई। और अभी जो है ना, हमने मुख्तलिफ टर्मिनल से पता कि टिकट है, हमारी टिकट 11:20 पे है। और शाम का खाना भी हमने नहीं खाया था, तो हल्की फुल्की भूख मिटाने के लिए लड़के यहाँ पर हैं। अतीक मेरे साथ जा रहा है, मैंने पहले बताया था, और अतीक का दोस्त जो है वो हमें छोड़ने के लिए आया है। हमने सोचा कुछ खाना पीना हो जाए। फास्ट फूड के साथ हमारा बाइकॉट था, लेकिन यहाँ से और कुछ भी नहीं मिल रहा, तो मजबूरन आज बर्गर खाना पड़ रहा है। बोतल है लाल। जिस रोड से हम आए हैं, रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा फेस वाश करते हैं, और बालों में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जा चुकी है। खाना पीना करने के बाद बस टर्मिनल पर पहुँच आए हैं, और टाइम अभी 9:40, 11:20 पर गाड़ी आनी है। इसका मतलब है काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। रात के 11 बजने वाले हैं और हम अभी तक इंतज़ार में हैं, और इंतज़ार बहुत बुरी चीज़ होती है। और जिस रोड से हम आए हैं, सारा रोड ख़राब था, तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह थी, तो हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पर आके थोड़े से फ्रेश हुए हैं, और अब थोड़ी थोड़ी नींद भी आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि 10 तक हम सो जाते थे। और अभी टाइम हुआ है जी 10:46 करीब आने लगा है टाइम। 11:50 और फाइनल एक लंबा इंतज़ार करवाने के बाद गाड़ी हमारी आ चुकी है। उठाएं बैग यार, थक गए हो। 20 देर हो गई इसे। सुबह बखैर, सुबह के 3:17 और अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंचे हैं लाहौर। नींद हमारी रास्ते में ही पूरी हो गई थी। कॉल करते हैं दोस्त के पास हैं सबसे पहले हम। एक बार फिर से सुबह बखैर, सुबह हो चुकी है और दिन निकल आया है। कैश आ चुका है, कैश के लिए इतने ज़्यादा हम परेशान थे, कुछ ज़्यादा परेशानी है। परेशान नहीं होना, अब भाई आपका आ गया है। हाँ। अधिक सुना, कैसा सफ़र रहा आपका? लाहौर वेखे सारा लाहौर है वे अब एक आए। और रात को ना, रात को नहीं, सुबह टाइम, रात को हमने सफ़र किया है, और सुबह टाइम हम एक दोस्त के पास आ गए, फैसल भाई के पास, उनसे भी मिलवाते हैं। कैसा आ गया है? कैसा सुबह टाइम ही आ गया था, इसका दूसरा तीसरा दिन है, रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप आए, यहाँ है हमारे फैसल भाई। तो सुबह टाइम नींद रचवदे ऐसे मिलवा नहीं सके। अब नाश्ते के टाइम हम मिलवा रहे हैं।
आ जाए बच्चों। यार कैश ने 3-4 दिन से खाना नहीं खाया, तो सभी ने ना एक एक लुकमा इसको भी खिलाना है। ये माशाल्लाह। लाहौर आते ही सबसे पहले हमें मिली है लस्सी और उसके बाद चने जो कि मशहूर हैं। फज्जे के चने हैं, ये फज्जे के तो सीरी पाए होते हैं मेरे ख्याल। फैसल भाई के चने हैं। चले बिस्मिल्लाह करें जी, मैं पहले लस्सी पीऊँगा। सुबह के 10 बज रहे हैं और हमारा मेजर इशू जो है वो कैश था। कैश का कोई इशू था यूनिवर्सिटी में, तो वो हम जा रहे हैं, दुआ करें सॉल्व हो जाए। लेकिन आपकी दुआओं से पहले इंशाल्लाह उम्मीद है कि सॉल्व हो चुका होगा। फैसल भाई को हम बैकअप पे रखे जा रहे हैं दुआओं के लिए, दुआओं के लिए रख के जा रहे हैं। चलें कैश के हॉस्टल आए हैं और कैश ने चेंज किया है, यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो गया, लेकिन लड़का जा नहीं रहा। आज ऐसे लग रहे जैसे वो स्कूल से भागा हुआ बच्चा होता है ना, तो उसका बड़ा भाई या उसका बाबा जो है ना उसे वापस छोड़ने के लिए जा रहे थे। पुत्र मैं तेरे नाल चल रहा, तेरे मास्टर को कुछ नहीं आता, परेशान हो, असाइनमेंट जैसे कुछ उठा ली है। बस आज कैश को नंबर पूरे लेके देने हैं, मसला कोई और है, ये तो हम इसको बस खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जो है ना थोड़ा सा हाँ हौला करने के लिए हमने जूस ऑर्डर किया है, तो वो आ रहे जूस पीते हैं और पिलाते हैं और चलते हैं फिर। मास्टर से रहता वो आपके तो प्रोफेसर होते हैं ना, हमारे बेटे में मास्टर हुआ करते थे, फिर मैं तो मास्टर ही कहूँगा। परेशान नहीं होना, जूस पियो। इस वक्त जामिया पंजाब में घूम फिर रहे हैं, कैस के हॉस्टल से जा रहे हैं कैस के डिपार्टमेंट, और काफ़ी बड़ी जामिया है ये, पंजाब यूनिवर्सिटी। बाइक पार्किंग में लगाने के बाद कैस के डिपार्टमेंट की तरफ जा रहे हैं और लड़का बड़ी मुश्किल से जा रहा है। पहुँचाए सिर्फ 1 घंटा पहले गैस काफी ज्यादा प्रॉब्लम में था और अभी मुस्कुरा रहे हैं। खुश है, भाइयों को थैंक्स बोलो, पूरी टीम उसके साथ आई है। किस्मती तेरा बहुत शुक्रिया यार। यार मेरा बंदे नहीं है जिस बंदे ने इतनी मेहनत की है। आप कैसी फीलिंग्स है अब? क्या सब खुश है? अब वो दावतें पे दावतें दे रहा है हमें, अभी टूर की दावत दे रहा था लेकिन अभी हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि पारा बहुत ज्यादा हाई है और यहाँ पर मुझे बुक्स कलेक्शन मिल गई है, तो मैं देख रहा था बहुत ज़बरदस्त किस्म की किताबें पढ़ी हैं। थैंक यू। हाँ कोई कर ले, बस ठंडी हो, दोपहर का खाना आ चुका है। शाम के 6 बज रहे हैं, दिन का खाना हमने खाया और उसके बाद हमने प्रॉपर नींद ली क्योंकि पिछले 24 घंटों से हम सो नहीं पा रहे थे। कैसे हैं आप लोग? फैसल भाई को हमने साथ में जगाए रखा सारी रात और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मुश्किल है वो अल्लाह ताला ने आसान की। लेकिन सारे व्लॉग में बस हम वो भागते दौड़ते रहे और बताया नहीं कि प्रॉब्लम क्या हुई थी। प्रॉब्लम कैश के साथ थी कि 2 दिन पहले यूं हुआ कि कैश की बाइक चोरी हो गई और काफ़ी ज़्यादा बेचारा परेशान था, अपनी बाइक ढूंढ रहा था, तो यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी ने उसे धर लिया। वो कहते हैं जी कि यूनिवर्सिटी से पहले भी 3-4 मोटरसाइकिलें जो है वो उठाई गई हैं और चोर दी शक्ल तेरे न रल दिए। यार अब तो हमारी हंसी बनती है ना, पहले हम थोड़ा हंस रहे थे, पहले हम थोड़ा हंस रहे थे क्योंकि वो बेचारा परेशान था। और वो यूँ है कि जिस बंदे ने बाइकें चोरी की है ना वो सीसीटीवी फुटेज में आया, तो भाई हू बहू कैश की तरह। मैंने तो रुके ना, मैं खोता कटिंग ना करवाई कर। वैसे इतना ज़्यादा नहीं था जब हमने जाके सीसीटीवी फुटेज देखी है, और मैंने वैसे अभी मैं साथ चला भी रहा हूँ ये वाली फुटेज, आप भी देखें कैश की तरह थोड़ा लगता है, लेकिन सिक्योरिटी ने धर लिया कैश को और उन्हें कहा भाई आप पे FIR होगी। हम काफ़ी ज़्यादा परेशान, कैश ने मुझे कॉल की कि भाई मेरा फ्यूचर तो गयो। मैंने कहा क्या हुआ क्या है, तो उन्होंने जब मुझे सिचुएशन बताई तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस। किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगा के उस पे FIR वगैरह दे देना और उस बेचारे का फ्यूचर तो गया, कैसे उसके मोबाइल वगैरह और सब जो कीमती चीज़ें थी वो ले ली गई, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा परेशान था। तो हम कोशिश कर रहे थे कि उसकी परेशानी कम करें, चुटकुले वगैरह सुना रहे थे, लेकिन हम भी अंदर से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि यार अगर FIR हो जाती है
तो एक तो झूठी है, सरासर झूठी, और उसके बाद जो है उसकी डिग्री पे इफ़ेक्ट पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा। पाकिस्तान में यूँ होता है कि अगर झूठी FIR भी हो जाती है तो ना आप जॉब ले सकते हैं, ना कहीं बाहर जा सकते हैं, मतलब कि फ्यूचर ख़त्म। जैसे तालिब इलम बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुजर के इस स्टेज पे आए होते हैं, और एक ख्वाब होता है इतनी बड़ी जामिया में एजुकेशन हासिल करने का। सिर्फ आजमी में कहूँ तो कुछ बच्चे हमारे यहाँ ऐसे होते हैं कि जिनकी माएँ कपास की चुनाई करके, मतलब कि मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को यहाँ तक पहुँचाती हैं, और एक छोटी सी मिस्टेक सिर्फ नाम पहचानने की गलती में उसकी सारी ज़िंदगी की तालीम एजुकेशन जो है वो दाव पे लग जाती है। तो इसलिए भागे दौड़े, और वो जो उनके थे हेड थे उनसे मिले हम, और उनको बताया कि जनाब आप इसे काइंडली वेरीफाई करें, और उसके बाद हम हाजिर जहाँ पे मर्जी हमसे वो जो है ना हम ले लें, श्योरिटी ले लें। तो अच्छा बंदा था, उन्होंने कॉपरेट किया अच्छे से, जब जज किया गया तो भाई थी झूठी तो बेचारा ये नहीं था। खुश हैं? खुश है? आपने भी लाहौर देख लिया चंगी तरह? फैसल भाई के हाथ की बनी हुई चाय का इंतज़ार किया जा रहा था, और यहाँ पर जो है वो कुछ फ्रूट केक वगैरह और बिस्कुट। ओए यार इतनी मोहब्बत, जिले इतनी मोहब्बत। यहाँ पर है जी गर्मा गर्म चाय। लाहौर का पारा जो है वो 45 पे है, और हमारी चाय, और कहते हैं जो लोग 45 पे चाय को नहीं छोड़ते वो किसी को ज़िंदगी में धोखा नहीं दे सकते। आए जी, कई सुबह सारे नाल शाल चुनिंदा बता भाई कि मैं बच पिया। और आज के ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, बाहर कहीं निकलते हैं घूमने फिरने के लिए, और बाकी की जो रूटीन होगी हमारे लाहौर की, वैसे सोच रहे हैं गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर वापस घर जाया जाए। और उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा, अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।